हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं पावर सेविंग मोड के बारे में। जैसे कि हम पावर सेविंग मोड को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर देंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है बैटरी, तो बैटरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है पावर सेविंग मोड, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, पावर सेविंग मोड को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपका ये ऑन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो बैटरी है वो येलो कलर की हो गई है। इस तरीके से आप पावर सेविंग मोड को ऑन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि 15% बहुत ही जल्दी ऑफ़ भी हो रही है स्क्रीन, इसी को बोलते हैं पावर सेविंग मोड। आप देख सकते हैं 15% लेवल मैंने इसलिए कर रखा है ताकि 15% पर मेरी जो है बैटरी लो हो सके। आपको मैसेज आ जाता है लो बैटरी का, 15% पर आ जाएगा। आप जितना करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं परसेंटेज, मैंने जो है 15 कर रखा है। आप इस तरीके से कर सकते हैं और 75% तक आता है। आप देख सकते हैं, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका बताता हूँ उसके बारे में। सबसे पहले सेटिंग पर जाएंगे और आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है। सर्च वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है पावर सेविंग मोड, यहाँ पर सर्च में आ जाएगा और यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इसे यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।